उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अरिका को उस टाइम नहला रहे थे हम लोग, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। मारा चावल की रोटी बना रहे हैं आज, चलिए कि क्या बता दूँ आप लोगों को मैं। थोड़ा अगर मैं आज बहुत ज़्यादा मौसम, इसको देखो ये दुल्हनिया को, दुल्हनिया को देखो, ये दुल्हनिया को देखो, ये बिल्कुल क्या हुआ कल अरिका ने सुनने नहीं दिया था। आलू को सुनाते वक्त मैं लग गया है क्योंकि फिर से मौसम खराब हो गया है, तो फटाफट कपड़े उठा के ले जाती हूँ नीचे, मिलकर मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं दिस आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे, और अभी हो रही है मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ आज, और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है मौसम। सुबह तो हल्की फुल्की बारिश भी होने लग गई थी क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अरिका को उस टाइम नहला रहे थे हम लोग, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई मैं उस टाइम। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता क्योंकि मम्मी लोगों को जाना है मार्केट नानी के लेके, क्योंकि नानी की आंखें दिखानी है। और आज मैं बनाऊंगी चावल की रोटी, और मम्मी लोग तो वैसे रोटी खाएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद नहीं है चावल की रोटी, तो मैं और अपने भाई के लिए और मेरे लिए बनाऊँगी मैं चावल की रोटी, तो दिखाती हूँ आपको। और मैंने बोला कि मम्मी से तब तक आप लोग रेडी हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ क्योंकि आरू वे भी सो रखी है करके, तो फिर उठ जाएगी तो वो एक जना तो उसको ही चाहिए पकड़ने के लिए, तो इसलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। अब दिखाती हूँ आपको चावल की रोटी कैसे बना। मारा चावल की रोटी बना रहे हैं आज हम, यहाँ पर बना दिया हमने भाई के लिए, बना दिया मैंने रोटी है। अगर मेरे लोगों को तो अच्छी नहीं लगती चावल की रोटी, लेकिन मुझे अच्छी लगती है मेरे लिए और भाई के लिए, और बाकी के लिए मैंने रोटी बना रखी है क्योंकि नानी को ले जाना है आज हॉस्पिटल, तो ये लोग हो गई हैं रेडी। चिपक गया है ये, मैं डालूँगी इसमें घी, तो दोस्तों मैं लगाऊंगी यहाँ पे घी। अब नाश्ता वाला छोटा सा बनाइए चावल की रोटी के बोलते हैं इसको, तो बन गई है मम्मी लोग की यहाँ रोटी है, हम लोगों को अच्छी नहीं लगती रोटी तो इसलिए हमने ये बना रखी है घर पे, अभी खाएंगे पापा। पापा को तो ज़्यादा ऑयली भी पसंद नहीं है इसलिए बाहर रखी हैं रोटियाँ, और यहाँ देखते हैं पापा हो रहे हैं यहाँ पे तैयार मार्केट के लिए, मम्मी नाश्ता कर रही है। और आज नानी को तो नहीं करना नाश्ता, ना नाश्ता नहीं करना ना, तुझे नाश्ता नहीं करना ना क्योंकि हॉस्पिटल दिखाना है, आंखें दिखानी है नानी की, तभी नहीं करेगी वो, रिपोर्ट वगैरह आएंगे ना उसकी। चलो दोस्तों आरू भी उठ गई है, देखते हैं उधर उसको क्या करें। आरू क्या हुआ, उठ गए? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? नाश्ता करने लगी तो अरिका भी उठ चुकी है और नानी लोग भी चले गए हैं, तो बाहर तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है इसलिए मैंने खिड़की वगैरह भी सब बंद कर दी है क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ होने वाली है, ऐसा मौसम ख़राब हो रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि क्या बता दूँ आप लोगों को मैं। थोड़ा अगर मैं आज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है सुबह से, तो नानी लोग तो चले गए, तो मैं फटाफट से अरिका को देखती हूँ, उसने सुसु वगैरह भी कर ली होगी, और फिर मेरे को बनाना है खाना मम्मी लोगों के लिए क्योंकि वो आ जाएंगे, तो फटाफट से मैं अब अरिका को देख लेती हूँ। और मम्मी ने ऊपर कपड़े धोके भी डाल रखे हैं, तो उनको भी एक बार देख लेती हूँ क्योंकि हवा तेज़ चल रही है, तो कहीं उड़ ना जाए वो भी, उनको भी नीचे उतार के लेके आती हूँ। उन्होंने चेंज वेंज कर दिए हैं, मैंने उनके लिए थोड़ा खाना वगैरह बनाया था, तो अब आरू यहाँ पे हैं, यहाँ पर सो रखी है, पापा खा रहे हैं खाना क्योंकि उनको लेके लेनी है रिपोर्ट, अमा की लेने जाना है वहाँ डिस्ट्रिक्ट पे। और कैसे रही तेरी रिपोर्ट, रिपोर्ट कैसी आई? पता नहीं कैसी आई, अभी नहीं आई, कब आएगी? बाल वक्त, बाल वक्त आनी है। दे 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 मुंह देख, इसको देखो ये दुल्हनिया को, दुल्हनिया को देखो, ये दुल्हनिया को देखो, ये बिल्कुल मम्मी का दुपट्टा लपेट दे दिया। हम दिखाते हैं आप लोगों को क्या बन रहा है, खाना खाएंगे खाना, दाल चावल बनाए हमारे घर पे। अब ये रही आरू, क्या कर रहे हो बाबा, क्या कर रहे हो?
बस इसको इन गद्दों में रखते हैं हम ताकि फ्री रह सके घर के दोस्तों। और ये रही मालू, मालू बाल किसने काटे थे ले? तो खाते हैं आप खाना, मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। इस दुल्हनिया को तो देखो एक बार, इस दुल्हनिया को तो देखो एक बार। निकलते बाबा निकलते उच्छे निकलते। अच्छा आरू को सुनाते वक्त मैं भी सो गई, आरू भी उठ गई, अभी मैं भी उठ गई, आरू भी उठ गई। और नानी को भी नींद आ गई थी आज, नानी भी उठ गई। पूरी याद लग गई हो आलू आई थी मेरी, जो दोस्तों यार मेरा फोन गिर गया, मम्मी मुझे देख रही है घूरते हुए। अब मैं पीती हूँ चाय, और यहाँ पे नानी ने पकड़ा है आदि पक्को। अरु आदि पक्को फिर से नींद आ रही है, तो मैं पी लेती हूँ चाय और हो जाती हूँ एकदम से फ्रेश, हाथ में रोटी फटाफट से पी लेती हूँ, फिर चाय वगैरह फिर दिखाती हूँ आपको क्या है आज। वैसे कुछ खास तो नहीं बन पाया आज का ब्लॉग, लेकिन तब भी बन ही गया थोड़ा बहुत। चलो ठीक है दोस्तों, मैं पी लेती हूँ पी के, तो आरिजा को थोड़ी देर देखा क्योंकि मम्मी आई गई थी, तो अब मैं उठा के ला रही हूँ कपड़े क्योंकि अभी आ रही है मम्मी। तो दोस्तों मैं उठा लेती हूँ फटाफट से कपड़े, और बादल भी लग गया है क्योंकि फिर से मौसम ख़राब हो गया है, तो फटाफट कपड़े उठा के ले जाती हूँ नीचे। तो दोस्तों मैं कपड़े वगैरह उठा के नीचे लेके आ गई हूँ, अब घूमती हूँ मैं थोड़ी देर बाहर पे क्योंकि अभी बहुत टाइम है, तो शाम को टहलना भी बहुत जरूरी है। मम्मी आ रही को तो कब से टहला रही है, जब से मैं कपड़े उठा के लाने के लिए गई उससे पहले से ही टहला रही है। मदर इंडिया आरू मेरे, आरू कब से घूम रही है आजकल, आरू को बहुत मज़ा आ रहा है आजकल शाम को बाहर घूमते रहती है, डेली डेली घूमते रहती है उसको, मतलब ठीक ही है शाम शाम को ना बाहर लाना थोड़ा ठीक ही रहता है, अंदर ही अंदर भी बच्चे को रखना ठीक नहीं है, तो इसलिए हम उसको शाम शाम को बाहर भी लेके आते हैं। और मैंने अंदर की लाइट वगैरह भी जला दी है क्योंकि अब बस थोड़ी देर बाद आ रही है। आज मम्मी भी आई थी चने, तो बनाते हैं चने की सब्जी, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अब आपको अपने नए ब्लॉग के साथ।